हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वीजी व्लॉग। सो आज मैं आया हूँ गणपति का व्लॉग करने के लिए। सो श्री चौधरी आर्ट्स वर्कशॉप को आया हूँ मैं आज। सो ये लास्ट ईयर से बहुत फेमस हुए है, लास्ट ईयर से कर रहे हैं ये लोग। सो यहाँ पे तो बहुत बड़ा बड़ा गणपति रहता है, 15 फीट से ऊपर ही रहता है यहाँ पे गणपति। सो चलिए देखते हैं अंदर कौन सा मॉडल है। तो ये रहा उनका फ्लेक्स, उनका नंबर्स भी है, नितिन चौधरी, विकी चौधरी, विवेक चौधरी एंड धर्मेंद्र चौधरी का नंबर है यहाँ पे। और ये शाम के ऊपर बैठा है गणपति। ये तो आपको कम से कम 18 फीट्स के ऊपर ही आएगा, 18-20 फीट्स। और ये लोटस के ऊपर यहाँ पे सब बड़ा बड़ा ही रहेगा गणपति, 18-20-22 फीट्स तक रहेगा गणपति यहाँ पे। और ये बैकग्राउंड फ्लेम्स के फ्लेम्स आया है पीछे बैकग्राउंड। और ये देखिए यहाँ पे फिनिशिंग तो बहुत अच्छा है, पीछे बैकग्राउंड आके लड्डू का मॉडल बना है पीछे। और ये देखिए पर्पल कलर में बैकग्राउंड तो बहुत बढ़िया है। और रे छोटू डेली आ रहा क्या यहाँ पे? नहीं, डेली देखने के लिए आता क्या? डेली ऐसे स्कूल को नहीं गया? आज नहीं गया। आओ रे, बोलता हूँ जाते सब। और आप इसका तिलक देखिए, ये तिलक भी बहुत डिफरेंट है इस बार। और ये बैकग्राउंड आके माता का है ऊपर, और दो झंडा भी है राइट एंड लेफ्ट में। और धोती का वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी होगा अभी। और नरसिम्हा भगवान ये गणपति का बैकग्राउंड के पीछे। और यहाँ पे पूरा सिटिंग स्टाइल में ही मिलेगा आपको गणपति, लेकिन डिफरेंट मिलेगा, कोई भी लास्ट टाइम का सेम रिपीटेड नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पिकॉक, साथ में पिकॉक। और आप ये तिलक का देख सकते हैं। पीकॉक का पंख है, उसको डिजाइन अच्छा अच्छा से बनाए हैं। और ये है पीकॉक,
अभी यहाँ पे सांप आ गया मेरे को वीडियो निकालने के लिए, दिक्कत हो गया, अभी अंदर जा नहीं पा रहा हूँ। अभी गणपति के नीचे ही बैठा, अंदर घुसा है वो, अब कब आएगा क्या आएगा नहीं मालूम। ये गणपति वीणा के साथ ये गणपति के नीचे ही सांप है अभी। और ये गणपति का भी धोती का काम नहीं हुआ है, और इधर तो सब गणपति का धोती का काम नहीं हुआ है, और 1 वीक में हो जाएगा शायद। और ये गणपति को देखिए, पीछे बैकग्राउंड आके आपको पूरा सांप दिखेगा, और सिटिंग स्टाइल में, और नीचे भी सांप है। और ये गणपति को देखिए, पीछे बैकग्राउंड में पूरा सांप ही है। नीचे भी सांप है। सब गणपति का बैकग्राउंड तो बहुत बड़ा बड़ा दिए ये लोग, लेकिन ये फोल्डिंग होगा, निकाल सकते हैं ऊपर से। लेके जाते समय और मंडप को लेके जाते समय और निकालते समय, विसर्जन करते समय कुछ दिक्कत नहीं होगा, इसलिए वो लोग रिमूवेबल रहेगा ऊपर बैकग्राउंड का। और ये मूशी का वाहन छोटा छोटा सेपरेटली बना के लगा है और रेडी नहीं हुआ है। और ये बैकग्राउंड देखिए, ऊपर बजरंग बली, और पीछे का बैकग्राउंड ये गणपति का शिवलिंग, बहुत अच्छा बनाया। और ये भी देखिए, ये गणपति का बैकग्राउंड आके ऊपर झंडा है दोनों तरफ, और ये बजरंग बली है। दोनों तरफ वीडियो लास्ट तक देखिए, स्किप मत करो। और ये पेंट सब ब्रांडेड पेंट्स ही यूज करते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड।
और ये गणपति नाक के ऊपर बैठा है और बैकग्राउंड तो ऊपर सांप ही आएगा। अभी तो रेडी नहीं हुआ है लेकिन सांप आएगा ऊपर बैकग्राउंड तो, और ये गणपति भी सांप के ऊपर बैठा है। ये मूर्ति में देख सकते हो आप, ये बैकग्राउंड आके रिमूवेबल है और निकाल सकते हैं ऊपर का पार्ट, आधा निकाल सकते हैं अपन, जो वायर से दिक्कत नहीं होगा लेके जाते समय और विसर्जन करते समय। इनका तो वर्क तो नाम नहीं लगा सकते हैं, और काम चल रहा है अंदर मूर्तियों का, और ये 10 डेज में सब काम पूरा कंप्लीट कर देंगे ये लोग। देख सकते हैं ये पूरा मूर्तियां पूरा बुकिंग हो गया है ये पूरा। इनका तो बहुत डिमांड चल रहा है मूर्तियों का, बहुत फेमस है लास्ट ईयर से ये लोग। और गाइस आपने देखे हुए होंगे कि और गणपति का वर्क और चालू है, पेंटिंग का काम, धोती का काम और बहुत काम है इसमें, लेकिन लगेगा एक 10 दिन तक रेडी हो जाएगा मेरा आइडिया में। वर्क तो फास्ट चल रहा है इनका, अभी तो इनको दूसरा गणपति लेने के लिए भी आगमन भी है यहाँ पे, स्पेशली अभी तो हैदराबाद में आगमन का ट्रेंडिंग चल रहा है। सो करेंगे वीडियो का समाप्त यहाँ पे, मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक एंड कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।